नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवास ग्रामीण अशोक कप्तान का किया गया जगह जगह स्वागत। सुरेंद्र बिजवाड़ दीपक शर्मा नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवास ग्रामीण अशोक जी पटेल कप्तान ने रविवार को नेमावर तक का दौरा किया। कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, दिल्ली हेराय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माँ नर्मदा के दर्शन के अभिलाषी हूँ और मेरा लक्ष्य है कांग्रेस की बढ़ोतरी करना, मतलब हाटपिला विधानसभा का जिताने का एक ही लक्ष्य है। और ये जो आज परिवार कांग्रेस का परिवार बैठा है, ऐसे विभिन्नताओं जैसे लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रेमलाल जी पटेल साहब, ओम जी पटेल साहब और कन्नौज खतेगांव के सभी कार्यकर्तागण, मैं उनको आमंत्रित करने आया हूँ कि आप सब हाटपिला विधानसभा में अपने परिवार के तरह जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो सब रिश्तेदारी के लोगों से मिलें और हाटपिला विधानसभा को जिताने का पहला लक्ष्य होगा। वहीं काला पाठा हथनोरी बिजवाड़ में भी स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष अशोक कप्तान का स्वागत मुकेश पटेल के निज निवास हथनोरी पर किया था। कप्तान ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, पार्टी में युवा का मार्गदर्शन लिया जाएगा, उन्हें साथ लेकर चला जाएगा, बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, पार्टी सभी का सम्मान करती है, पहली प्राथमिकता हाटपिला विधानसभा जीतने को लेकर है। वहीं 22 सीटें लाने की बात जिला अध्यक्ष अशोक कप्तान ने कही। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष ओम पटेल, प्रेम पटेल, निर्मल पुरोहित, मुकेश पटेल, पप्पू पटेल, प्रमोद व्यास, अखिलेश पटेल, दीपक पंचोली, करण पटेल, अंकित पावरा, रूप सिंह पटवा, कुलदीप पटवा, कैलाश सेठी, विनोद पटवारी, योगेश पटेल, गुड्डू पटेल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए सुरेंद्र बिजवाड़, दीपक शर्मा की रिपोर्ट।